क्वेश्चन नंबर वन गोभी गोभी महोत्सव किस देश में स्थित है ऑप्शन ए कनाडा ऑप्शन बी मंगोविया ऑप्शन सी साउथ सुडान ऑप्शन डी हाथी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगोविया गोभी डेजर्ट इज सिटेड एट मंगोविया नेक्स्ट विंग ऑफ फायर इज सिटेड एट द एरिया ऑफ विच ओसिन विंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है ऑप्शन ए पैसिफिक ऑप्शन बी इंडियन हिंद महासागर ऑप्शन सी अटलांटिक ऑप्शन डी आर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है पैसिफिक पैसिफिक ओसिन में विंग ऑफ फायर सिटेड है और विंग ऑफ फायर में क्या होता है यहाँ पे एक्टिव भोटानूस पाए जाते हैं सक्रिय जवाबमुखी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट विच प्लानिट इज एवसोकाउड वेट प्लानिट किस ग्रह को वाव ग्रह भी कहते हैं ऑप्शन ए है, है मुद्ध ऑप्शन बी भिनस शुक्र ऑप्शन सी अर्थ पृथ्वी ऑप्शन डी मार्वस मंडल तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मार्फ्स मार्स प्लानिट इज एवसोकाउड वेट प्लानिट नेक्स्ट लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वर डेप्थ इन अंडर वाटर इज कॉर्ड पानी के अंदर सभी समान दवाई वाले बिंदुओं के मेवान वाली रेखा तो कहते हैं ऑप्शन ए आइसोबार ऑप्शन बी आइसोबाथ ऑप्शन सी आइसोथर्म ऑप्शन डी आइसो पास तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आइसोबाथ द लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वर डेप्थ इन अंडर वाटर इज कार्व आइसोबाथ नेक्स्ट द ऑरिजिन ऑफ नीव विभर इज फॉर्म नीव नदी की उत्पत्ति होती है ऑप्शन ए वेट विक्टोरिया बिक्टोरिया झील ऑप्शन बी साहबा डिजर्व साहबा मोस्थर ऑप्शन सी आटाकाम डिजर्व आटा आटाकामा मोरस्थर ऑप्शन डी सुपेरियर वेट सुपेरियर झील तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेट बिक्टोरिया द ऑरिजिन ऑफ न्यू इज फॉर्म वेट बिक्टोरिया नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर एरिया चित्रफर के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है ऑप्शन ए रशिया ऑप्शन बी चाइना ऑप्शन सी इंडिया ऑप्शन डी यू तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रशिया रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर एरिया नेक्स्ट वेय इज द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक वोकेटेड एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन ए न्यू दिल्वी ऑप्शन बी दोहा ऑप्शन सी मनीवा ऑप्शन डी काठमांडू तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनीवा द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज वोकेटेड एट मनीवा नेक्स्ट वट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मंगोरिया मंगोरिया की राजधानी का नाम है ऑप्शन ए रंगून ऑप्शन डी ओवान बटोर ऑप्शन सी थिंपू ऑप्शन डी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओवान बटोर ओवान बटोर इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया नेक्स्ट वॉफ इज ए वोटर फॉर डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट इी वॉफ किस राज्य या केंद्र शासित राज्य का वोट नित्य है ऑप्शन ए नागालैंड ऑप्शन बी लद्दाख ऑप्शन सी मणिपुर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर वॉफ इज ए वोटर फॉर डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट डेटवाइट इन यूएस ए इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री यूएसए में डेटवाइट किस उद्योग की वे है? है, भी प्रसिद्ध है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल ऑप्शन सी टेक्सटाइव ऑप्शन डी गोल्ड तो एंड डायमंड इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल डेटवाइट इन यूएस ए इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइव इंडस्ट्री नेक्स्ट विच कंट्री इज काउट द वैंड ऑफ वाइट एवेफेंट्स किस देश को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं ऑप्शन ए है, थाईलैंड ऑप्शन बी स्विटरलैंड ऑप्शन सी श्रीलंका ऑप्शन डी म्यांमार तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थाईवेन थाईवेन इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एवेफेंट्स नेक्स्ट विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भारत के किस शहर को झरनों का शहर भी कहते हैं ऑप्शन ए देहरादून ऑप्शन बी वाची ऑप्शन सी सिमवा ऑप्शन डी डेंटोट तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाची वाची इज इन इंडिया इज कॉल्ड सिटी ऑफ वाटरफॉल्स नेक्स्ट वट इज द नेम ऑफ़ द लार्जेस्ट मैन मेड वेक इन इंडिया भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी जीव है ऑप्शन ए महात्मा गांधी सागर ऑप्शन बी अटल बिहारी सागर ऑप्शन सी गोविंद बाब पंत सागर ऑप्शन डी पी सागर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोविंद बब पंत सागर गोविंद बब पंत सागर इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वेक इन इंडिया नेक्स्ट विच विजन इन इंडिया इज कॉन्सिडर एज द हाइस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडर इनर्जी भारत का कौन सा क्षेत्र जो आवी ऊर्जा में उत्कृष्ट माना जाता है ऑप्शन ए डर्स ऑफ कॉम्बे कॉम्बे की खाड़ी ऑप्शन बी डार की खाड़ी ऑप्शन सी सुंदरबन ऑप्शन डी चिविका झेल तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डर्स ऑफ कॉम्बे डर्स ऑफ कॉम्बे विजन इन इंडिया इज कॉन्सिडर एज द हाइस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडर इनर्जी नेक्स्ट वेट सॉय हाइडी विच इन विच एविमेंट वाव मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है ऑप्शन ए पोटास ऑप्शन डी ऑक्सीजन ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पोटास वेट विच इन पोटास नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कौन से राज्य में प्रति एकड़ वन भूमि सर्वाधिक है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ऑप्शन बी असम ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी राजस्थान तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क इज सिटेड एट विच इंडियन स्टेट कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है ऑप्शन ए झारखंड ऑप्शन बी बिहार ऑप्शन सी ओडिशा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क इज सिटेड एट मध्य प्रदेश नेक्स्ट नाजार्जुन सागर टाइगर रिजर्व इज सिटुएट एट विच स्टेट नाजार्जुन सागर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ऑप्शन ए झारखंड ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी ओडिशा ऑप्शन डी असम तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश नाजार्जुन सागर टाइगर रिजर्व इज सिटुएट एट आंध्र प्रदेश नेक्स्ट प्रोजेक्ट इवेफ हैज़ बिन लॉन्च इन द ईयर प्रोजेक्ट एवफेंट किस बस शुरू हुआ ऑप्शन ए 1995 ऑप्शन बी 1992 ऑप्शन बी 1985 ऑप्शन बी 1982 तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992 नाइन टू प्रोजेक्ट एवफेंट हैज़ बिन लॉन्च इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी टू नेक्स्ट विच स्टेट इज फेमस फॉर सिर्फ टेस्ट ट्राइव इंडस्ट्री इन इंडिया भारत का कौन सा राज्य सिव उद्योग में प्रसिद्ध है ऑप्शन ए के ऑप्शन बी गुजरात ऑप्शन सी कर्नाटका ऑप्शन डी महाराष्ट्र तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटका कर्नाटका इज फेमस फॉर सिर्फ टेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद